11 मार्च को केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं दुनिया की तरफ से भी अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आना चालू हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार और यूनाइटेड नेशन ने CAA को लेकर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस कानून को मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति वाला बताया है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि CAA को सोमवार को लागू कर दिया। अब इसको लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। इनका कहना है कि CAA के तहत उन देशों के सिया मुसलमान जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जगह नहीं दी गई है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक भारत ने CAA के तहत उन पड़ोसी देशों को बाहर रखा है जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। उदाहरण के तौर पर इसने म्यांमार का नाम लिया है जहां रोहिंग्या मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के एक प्रवक्ता ने बताया कि हमने 2019 में ही कहा था कि हम भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि CAA को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह मूल रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति का है। साथ ही यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस बात की पड़ताल कर रहा है कि क्या CAA के नियम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरूप है या नहीं। आपको बता दें कि CAA को लेकर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने CAA को लेकर आपत्ति जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हम 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना के बारे में चिंतित हैं। हम इस बात पर करीबी से नजर रख रहे हैं कि यह अधिनियम कैसे लागू किया जाएगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं। आव्रजन को लेकर मेरा दृष्टिकोण हमेशा से ही बहुलवाद की ओर रहा है। आपको बता दें कि CAA के लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर स्पष्टता भी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। मंत्रालय ने CAA के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने जब से भारत में CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है और जब से यह लागू हुआ है, इसको लेकर अब विश्व भर से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं।